नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये एक इंफॉर्मेशन का वीडियो है। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया और जो हमारे ऊपर, हम लोग पूरी संस्था के ऊपर आप लोगों ने जो दुआ दिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हमने मेंस की क्लास स्टार्ट किया 65th बीपीएससी जब हमने अपनी संस्था सीओ सक्सेस खोला था और बहुत अच्छा रहा। जितनी मुझे उम्मीद थी, हम लोग जितने भी टीम मेंबर थे, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा आप मिला। इसको देखते हुए बहुत लोगों का कंटिन्यू फोन मैसेजेस हर तरीके से कि सर कब 66 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसको देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, 66 का बीपीएससी का प्री का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। और हमने इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस जो 66 बीपीएससी प्री की क्लास करवा रहा हूं, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट होगी। ऑफलाइन जो होगी उसमें आपको बता दो किस तरीके से हमारी क्लास चलेगी। जैसे मेंस की क्लास चल रही थी वैसे ही प्री का भी क्लास चलेगा। जो लोग जुड़े होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनको पता ये चीज नहीं होगा। तो उनको मैं बता दूं कि टोटल 3 घंटे की क्लास होती है। मेंस में भी वही, लेकिन मैं अभी क्लास जो वीडियो बना रहा हूं वो प्री के लिए बना रहा हूं, तो प्री का शेड्यूल मैं बता रहा हूं। 3 घंटे की टोटल क्लास होगी। 3 घंटे में आधे घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं और आधे घंटे का जो होता है लास्ट में ग्रुप डिस्कशन होता है जो आज की पढ़ाई की गई है। सेम टू सेम इसमें भी प्री में भी वही काम करेंगे। 3 घंटे की क्लास होगी, उसमें आधे घंटे जो होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे और आधे घंटे लास्ट में जो होंगे डिस्कशन होंगे। इसमें अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो लोग यहां पूछते हैं। और ऑनलाइन जो क्लास होगी उनके लिए दीपक सर बताएंगे किस तरीके का इसका शेड्यूल होगा। सर आइए। थैंक यू सुजीत सर। जैसा कि सर ने आपको बताया, हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा जो तरीका रहेगा वही रहेगा जिसमें हम तो मेहनत करेंगे, आपसे ही मेहनत करवाएंगे। वो मेहनत का तरीका टेस्ट के द्वारा रहेगा। और टेस्ट कैसे आप दे सकते हैं, खास करके ऑनलाइन के स्टूडेंट, ऑफलाइन को तो सबको पता है आकर टेस्ट देना है। पढ़ते क्लास में एंट्री होते ही टेस्ट देना है, जैसे मेंस में हम लोग चला रहे हैं। पीटी में क्या करना है, तो पीटी में भी टेस्ट उसी तरह देना है ऑफलाइन वाले का। ऑनलाइन वाले को भी हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और आपको फिर आंसर लिखकर, अपना नाम लिखकर, मोबाइल नंबर लिखकर आपको जिस नंबर पे बोला जाएगा उस पर भेज देना है। चाहे वो व्हाट्सएप नंबर होगा, चाहे वो टेलीग्राम नंबर होगा, कोई सा भी होगा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। वैसे ही डेली क्लास होगा, क्लास का वीडियो आपको अवेलेबल होगा। और एक बात और, ग्रुप डिस्कशन का क्या, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में तो आप पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन का अगर अच्छा ग्रुप डिस्कशन चला हमारा तो उसका वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे ऑफलाइन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, उसी तरह ऑनलाइन में भी प्रयास रहेगा कि आपके लिए बेस्ट किया जाए। आप दूर बैठे हुए हैं, आपको विश्वास है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग ने जो काम किया है वो विश्वास लायक है, वो ईमानदारी वाला है। सुजीत सर हो, चाहे हम हो, चाहे और भी हमारे टीम मेट हैं, सबने ये प्रयास किया है कि अपना बेस्ट दे सके। और ये आप मेंस से जुड़कर देख सकते हैं। 65 सर ने बताया मेंस शुरू किए हुए हैं, हम लोग 66 का भी मेंस शुरू किए हुए हैं, क्योंकि तैयारी का तो तरीका होता है, पीटी का मेंस होता है, मेंस के साथ अगर पीटी का भी तैयारी हो सकता है। तो आप लोग अगर अभी तक मेंस के बारे में नहीं सोचे तो उसके बारे में भी सोचिए। सर जैसा बता रहे थे, हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, उसके लिए विशेष इंक्वायरी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। सर ने जैसा बताया ऑनलाइन कोर्सेज का फीस क्या होगा, सारा चीज हम लोग ओपन कर चुके हैं पहले ही। अभी नहीं, इस वीडियो के नीचे भी आपको सर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि क्या कैसे आएगा। बाकी बातें तो सर करेंगे ही। थैंक यू सर। जैसा कि ऑनलाइन के बारे में दीपक सर ने आपको बता दिया, ऑफलाइन में खुद बता दिया, अब एक बात रहती है कि फी को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन अंदर रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने इस संस्था को ओपन करने के बाद आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरी पटना में जितनी भी संस्था चल रही है उससे कम फी रखूंगा, और मैंने उसी पे अपना काम भी किया हूं। जो लोग जुड़े होंगे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वही है आपका सबसे अच्छा साधन। अब ज्वाइन करें या ना करें इसके लिए कंफ्यूजन है, तो एक बार आप डेमो क्लास ले लीजिए, ये भी फ्री है।
तीसरी बात कि जो ऑनलाइन के लिए सर क्लास किए बताया आपको इन्फॉर्मेशन बताई, ये उन लोगों के लिए जो लोग दूर दराज में रह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो नहीं आ सकते पटना में, इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं। और जितना हो सके हम लोग जो फी कम किए हैं वो तो किए ही किए हैं, साथ साथ में ये भी ध्यान रखा गया है कि जो गर्ल्स होंगी और जो दिव्यांग लोग होंगे उनको भी उस फी जो कम किया गया उसमें भी डिस्काउंट हमने कर दिया है, कि किसी भी तरीके से हमारे और सर के साथ में जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस संस्था में अगर आ गए हैं तो बाहर नहीं जा सके। हमारी हद तक यही कोशिश है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि पैसे की कीमत क्या होती है, समय तो सबके पास में वही है लेकिन पैसा किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, इसको देखते हुए हमने इसको कंप्रोमाइज किया है ताकि हर कोई पढ़ सके। पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। थैंक यू।